किसान भाइयों, एक फोर्स बलवान ट्रैक्टर हम लेकर आए हैं उन किसानों के लिए जिस किसान भाई का थोड़ा बजट कम है और वो बड़ा ट्रैक्टर चाहते हैं, छोटा काम भी करे बड़ा भी। किसान भाइयों, ये 50 एचपी का ट्रैक्टर है। फोर्स बलवान 500। चार सिलेंडर है, ओवरहेड कैमशाफ्ट इसमें लिखा है। ये चला हुआ जरूर है, टायर घस गए। जिस ट्रैक्टर के टायर घस जाते हैं समझ लीजिए उस ट्रैक्टर में कोई धोखा नहीं दिया, काम बढ़िया किया है अपने टाइम में, क्योंकि पूरा मस जाता है। इसका अगला हिस्सा देखिए, इस तरह की बनावट है, बिल्कुल भी ये हिस्सा खुला हुआ नहीं है, पक जबरदस्त अगला एक्सल है, आगे बहुत अच्छा वेट दिया है। अगले टायर रबड़ी हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं है। बैटरी रखी हुई है और गियर बॉक्स देख लीजिए, हाइड्रोलिक वगैरह सब ठीक है। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से सीट कवर बंदरों ने फाड़ दिए, जो हैं खड़ा हुआ था जिसके बाग में, वहाँ बंदर ज़्यादा हैं। बैठने के लिए सीट बहुत अच्छी है, मरघाट पे बैठने के लिए परिवार अच्छा आराम से जा सकता है बैठ कर। और इस पे पेंट दोबारा किया है, रिमूव है, बाकी गला हुआ नहीं है। जैसे चलने में कहीं अट जाए, कोई दिक्कत हो जाए। लिफ्ट पट्टी ओरिजिनल है, कोई टूट फूट नहीं है। टायर में रबड़ भी चढ़ सकती है क्योंकि कट नहीं है बिल्कुल भी, तेरे के टायर हैं। गुडियर के टायर हैं। सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है, आवाज सुनिए क्या शानदार आवाज है। आवाज आपने सुनी ली, बिल्कुल भी कमा नहीं। इंजन गैस बिल्कुल नहीं काट रहा, जिस किसी भाई को आवश्यकता हो वो संपर्क करें। 1,25,000 रुपये में हमने ये लिया है, 2009 मॉडल, गाजियाबाद का नंबर है, गाजियाबाद यूपी, दिल्ली के निकट। ये रूटावेटर भी 7 फुट खींचेगा, 9 का टीलर, 11 का भी चला सकते हो, लाड़ की मशीन। और पीटीओ इसके 2 आरपीएम है, 540 और 1000 भैया लिखा हुआ है। ये रहा, ये 540 है, यहाँ 1000 में। पुली बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। ये भी सुनने में आया कि जो इसके गियर हैं, जितने ये आगे को चलता है इतना बैक में चलता है, और कई खूबियाँ हैं जिसके बारे में जो नए ट्रैक्टर में दे रहे हैं वो ही बता सकते हैं। बाकी मैं तो पहली बार लेकर आया हूँ, लेकिन इतना प्योर है, श्योर है कि इंजन दमदार है। हाँ, इसके गियर बॉक्स में एक रिडक्शन की आवाज़ होती है, ये सब बलवान में होती है। कारण क्या है, इन्होंने ज़्यादा गियर दे दिए, बाकी बिगड़ता कुछ नहीं। तो दोस्तों ज़रूर संपर्क करें, मैं अपना नंबर दूँगा। नमस्कार।